मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हम आरआरबी एनटीबीसी का जो फॉर्म आया है 2019 का। फ्रेंड्स, अगर आपने भर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भरा है तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस जोन में कितने फॉर्म भरे गए अभी तक, यानी कि 15 मार्च तक, जो 15 मार्च 11:59 यानी कि रात की 12 बजे तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में भले ही 10 से 8 मिनट लगे हो मुझे, लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट है उसको ढूंढने में पूरा एक दिन लगा है और कुछ पैसे भी लगे हैं। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट रहेगी कि जितनी मेहनत मैंने इस वीडियो को बनाने में की है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है पूरा अंत तक। फ्रेंड, डेफिनेटली यार आपको हेल्प करेगी आपके जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए, जोन सेलेक्ट करने के लिए आपको हेल्प करेगी। अगर आप ऐसा जोन सेलेक्ट करते हैं जिसमें आप क्वालिफाई होते हैं, तो फ्रेंड डेफिनेटली आपको जॉब में भी ये वीडियो हेल्प करने वाली है। तो फ्रेंड, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक जो है 35 लाख से प्लस एग्ज़ाम फॉर्म भर चुके हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि इतना बड़ा जो है अभी तक कैसे भर चुके हैं, लेकिन फ्रेंड बता दूं, जी हाँ, भर चुके हैं 35 लाख से ज़्यादा। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी वीडियो को उठाकर देख ले जो यूट्यूब पर है, तो फ्रेंड देखिए वो आपको बताएगा ज़रूर, लेकिन इतना अपडेटेड नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि अपडेटेड जो है इसके लिए बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे। और जो है देखिए, अगर जो भी इंदौर का रहने वाला होगा उसको पता होगा प्रेस कॉम्प्लेक्स जो है उसके बारे में, तो वहाँ पर जाकर आप जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर जाकर इन्फॉर्मेशन मांगेंगे तो फ्रेंड्स आपको डेफिनेटली नहीं मिलने वाली है। ठीक है, लेकिन उसके लिए पूरा दिन मैंने चक्कर काटा, इसलिए वो मिल गई। ओके, तो पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है, जोन वाइज देखेंगे। और जिस जोन को भी अगर आपको प्रेफर करना है, वो आप पहले सिलेक्ट चेक कीजिएगा कितनी वैकेंसीज हैं, कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने फॉर्म भरे हुए हैं, आप मैच कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और आप चाहे, अगर आपको नहीं पता है कितनी वैकेंसी किस जोन में है, तो प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था जोन वाइज कितनी वैकेंसीज हैं। ओके, तो फ्रेंड देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर आता है, उन सभी की वीडियोस ऑनलाइन फ्री स्टडी और अनअकैडमी दोनों पर देख सकते हैं। अनअकैडमी की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, यहाँ से सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। और किसी भी वीडियो की अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का ग्रुप आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर मैं डेली बेसिस पे वीडियोस डालता हूँ और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता हूँ। और बहुत सारे जो वहाँ पर लोग बाग हैं, जुड़े हुए हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो जुड़े हुए हैं, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। तो मैं ही नहीं, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर वीडियोस डालते हैं, बड़े बड़े जो चैनल हैं वो भी डालते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको पहले बता दूँ, 35,277 वैकेंसीज थी, 35,277 वैकेंसीज थी, जिसमें से 10,628 वैकेंसी अंडर ग्रेजुएट के लिए थी। ठीक है, और 24,649 ठीक है वैकेंसीज थी, वो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए थी। ठीक है, जैसे कि गुड्स कार्ड, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और स्टेशन मास्टर है। कई लोगों को स्टेशन मैनेजर, स्टेशन मास्टर में थोड़ा सा डिफरेंट समझ में नहीं आता, लेकिन स्टेशन मैनेजर बहुत बड़ी पोस्ट होती है, स्टेशन मास्टर उससे छोटी होती है। ठीक है, तो फिर बता दें कि यहाँ पर जो है आपको सारी वैकेंसीज चेकआउट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आपको करना क्या है, आपको जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जितनी वैकेंसीज हैं वहाँ पर चेकआउट करनी है, जो भी आपको सूटेबल लगे यहाँ पर किस भी जोन में भरना है तो आप वहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जोन वाइज देखिए, पहला हम देखने वाले हैं जोन अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद का जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वैकेंसीज देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें या फिर इस पर मैच करें। तो देखिए यहाँ पर भरे जा चुके 2,33,842 फॉर्म। कितने? 2,33,842 फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं रात की 12 बजे तक, 15 मार्च तक। ठीक है, अगला देखेंगे अजमेर। तो अजमेर में जो फॉर्म भरे जा चुके 188,684 फॉर्म, 188,684 फॉर्म भरे जा चुके हैं। और आपको करना क्या है, आपको अजमेर में जा, अजमेर का जो नोटिफिकेशन है एनटीबीसी का, उसमें आकर अजमेर देखना है और कितनी वैकेंसी कहाँ पर हैं उसमें आपको देखना है। फ्रेंड्स, फिलहाल मैंने आपको सिर्फ कितने फॉर्म भरे जा चुके वो इन्फॉर्मेशन दिए, लेकिन अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, मुझे कमेंट करेंगे कि भाई ऐसा भी बताइए कि किस पोस्ट के लिए या फिर जो है ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट किस किस के लिए अलग अलग है, तो मैं हो सकता है मे भी ट्राई करूँ एक बार। और वैसे तो इन्फॉर्मेशन देखिए मिल जाती है, लेकिन बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। ठीक है, ओके, तो देखिए अजमेर में देख लिया हमने, इलाहाबाद में देखने वाले हम, इलाहाबाद के लिए
27 फॉर्म भरे जा चुके हैं इलाहाबाद में। ठीक है, कंपटीशन अच्छा है, जितने भी मैं स्टार्टिंग ही बता रहा हूँ सभी में कंपटीशन बहुत अच्छा है। ठीक है, बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपको, मतलब इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा, एवरेज है, यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इधर फॉर्म जो है 1,87,836 जो है फॉर्म भरे गए हैं अभी तक। फ्रेंड देखिए, 12th बेस और ग्रेजुएशन बेस दोनों स्टूडेंट्स में भर रहे हैं, तो इसलिए फॉर्म जो है ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा भरे जाएंगे। ये मत सोचिएगा, सोचिएगा ग्रुप डी में 2 करोड़ फॉर्म भरे गए थे, 1.5 करोड़ स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था, लगभग 1,88,00,000 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था। तो फ्रेंड ऐसा नहीं है, वो स्टूडेंट भी एग्ज़ाम देंगे और भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे, तो हो सकता है मे बी जो परसेंटेज है वो ज़्यादा चला जाए। ठीक है, भोपाल का देखने वाले हैं तो भोपाल का जो है 1,22,716 फॉर्म भरे जा चुके हैं। कॉम्पिटिशन है लेकिन वैकेंसीज भी कम है, कंपटीशन है लेकिन वैकेंसीज कम है, इसलिए फॉर्म कम भरे गए हैं। आप भर सकते हैं लेकिन ध्यान दीजिएगा वैकेंसीज कम है यहाँ पर। ठीक है, अगला देखते हैं भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर की बात करें, कंपटीशन बहुत अच्छा है लेकिन सिर्फ 71,953 फॉर्म भरे गए हैं। कंपटीशन अच्छा है लेकिन आपको पहले वैकेंसीज देखनी है, उसके बाद देन फॉर्म अप्लाई करना है। आप देखने वाले हैं हम बिलासपुर का, बिलासपुर का देखिए भरे जा चुके हैं 1,66,347, 1,66,347। ठीक है, चंडीगढ़ में ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे, तो देखिए अभी बता दूँ आपको, भरे जा चुके हैं 2,58,579। ठीक है, 79 मतलब उसमें कन्फ्यूजन रहता है, 79 देख लिए। ओके, तो यहाँ पर फॉर्म भरे जा चुके हैं, कॉम्पिटिशन है और अच्छा खासा कॉम्पिटिशन है। दिल्ली के स्टूडेंट भी यहाँ पर भरते हैं दिल्ली के स्टूडेंट भी बढ़ते हैं, हरियाणा के भी बढ़ते हैं और नोएडा वगैरह के भी स्टूडेंट यहाँ पर बढ़ते हैं, यूपी के भी कुछ स्टूडेंट यहाँ पर जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं। आगे देखने वाले चेन्नई का, चेन्नई का देखिए है लेकिन यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो भी थोड़ी सी, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी फॉर्म भरे गए हैं 2,27,982 फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर भर सकते हैं लेकिन देखिएगा रीजनल लैंग्वेज वगैरह के चक्कर में दिक्कत ना आए तो आप चेन्नई को भरेगा आधे कर। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा फॉर्म नहीं है, 1,28,668 फॉर्म भरे जा चुके हैं, भर सकते हैं आप फॉर्म क्योंकि वैकेंसीज भी ठीक ठाक हैं और प्लस फॉर्म ज़्यादा नहीं है, कंपटीशन भी है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, फेयर कंपटीशन है, कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है बहुत ज़्यादा हाई हो। ठीक है, जो गोरखपुर में है वो हायर एजुकेशन पर ज़्यादा कंपटीशन है, देखा जाए तो जो आपका छोटी वैकेंसीज होती है उसमें इतना कंपटीशन नहीं रहता है। ठीक है, ओके, गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में इतना कंपटीशन के साथ कंपटीशन नहीं है लेकिन फिर भी इस बार जो वैकेंसीज हैं एनटीपीसी की वो बहुत अच्छी हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर चांसेस हैं आप भर सकते हैं। 1,34,438 वैकेंसीज 38 फॉर्म भरे जा चुके हैं। ठीक है, जम्मू एंड श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पर तो वही बंदा भरता है जम्मू श्रीनगर का हो या आसपास का हो, क्योंकि बाहर का बंदा इसमें बहुत कम स्टूडेंट्स भरते हैं, आप भर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर फॉर्म भरे चुके हैं 78,630 फॉर्म भरे जा चुके हैं अभी तक, भरिए कोई दिक्कत नहीं है, कंपटीशन कम है लेकिन बता दूं मैं आपको वहाँ पर, आप देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात होता है, या पता हो या नहीं पता हो लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप जो भी जोन सेलेक्ट करेंगे, अगर आपकी जहाँ भी जिस भी जोन में आपकी जॉब लगेगी, आप जब तक जॉब करेंगे मतलब तक छोड़ते नहीं तब तक वहीं पर ही आपको जॉब करनी होगी, आपको कोई दूसरा जोन सेलेक्ट नहीं कर सकते बाद में। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत मतलब कि होती है लेकिन अगर नहीं होती है तो फिर दिक्कत आती है बाद में, अगर आपका किसी दूसरे जोन में हो गया, आपने सोचा मैं यहाँ से ट्रांसफ़र करवा लूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट रहेगी अगर वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कोलकाता। तो कोलकाता का जो रहेगा 2,44,682 फॉर्म अभी तक भरे हैं। ठीक है, बात करें मालदा की तो मालदा में जो फॉर्म भरे चुके हैं 1,20,341 फॉर्म, 1,20,341 फॉर्म, कंपटीशन कम है लेकिन फॉर्म बहुत ज़्यादा फिलअप हो रहा है। ठीक है, मुंबई की बात करें तो मुंबई में बहुत ज़्यादा कंपटीशन के साथ साथ एग्ज़ाम फॉर्म भी बहुत भरे गए हैं और एग्ज़ाम सॉरी जो है वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं, तो यहाँ पर भरे गए 3,17,000
539 जो है फॉर्म भरे गए जा चुके हैं, कंपटीशन भी अच्छा है, फॉर्म भी ज़्यादा हैं और वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में देखिए भरे जा चुके हैं 48,328 फॉर्म मात्र, लेकिन कॉम्पिटिशन के साथ साथ वैकेंसीज कम हैं और फॉर्म भी देखिए एवरेजन ठीक है, लेकिन यहाँ पर फॉर्म जो है आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पटना की बात करें तो पटना में कंपटीशन है, लेकिन फिर भी जो कंपटीशन के साथ साथ यहाँ पर फॉर्म फिलअप और जो है वैकेंसीज दोनों में इतना मतलब बता दूँ, देखिए यहाँ पर भरेंगे लेकिन वो आप अगर वहीं के आसपास के हैं तो वहाँ पर पटना भरिए, क्योंकि पटना जो है थोड़ा सा आउट ऑफ एरिया पड़ जाता है। ठीक है, तो पटना है 157,653। ठीक है, आप यहां पर देखने वाले हैं हम रांची का, तो रांची में देखिए भरे जा चुके हैं 168,753 फॉर्म भरे जा चुके हैं। ठीक है, भरिए यहां पर, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं भरिए, यहां पर भरिए, फॉर्म भी जो है फॉर्म भी अच्छे भरे हुए हैं, लेकिन जो है वैकेंसीज भी ठीक है, इतनी ज़्यादा कम नहीं है, कॉम्पिटिशन ठीक है, हार्ड नहीं है, लेकिन भर सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखते हैं सिकंदराबाद, सिकंदराबाद का कॉम्पिटिशन अच्छा है, फॉर्म भी अच्छे फिलअप हो रहे हैं और कॉम्पिटिशन भी अच्छा है, 326,845 फॉर्म भरे चुके हैं, यहाँ पर कंपटीशन आई है, तो मेरा मानना ही है अगर आप भागे हैं तो आप भर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा कोई चेक कर लीजिए या चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा हाई ऑफ रेट जा रहा है। ठीक है, सिकंदराबाद। सिलीगुड़ी की बात करें तो सिलीगुड़ी जो है 44,932 फॉर्म अभी तक भरे गए हैं, तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट रहेगी सिलीगुड़ी में, वैसे तो देखिए फॉर्म फिलअप इतना होता नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्म फिलअप बहुत हुआ है और वैकेंसीज देखिए NTPC ने इस बार की करा क्या है, जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज देनी थी वहाँ पर नहीं दी हैं, और कई जगह पर जो वैकेंसीज पहले नहीं देता था वहाँ पर वैकेंसीज दे दी हैं, जैसे कि सिलीगुड़ी, मालदा हुआ, गुवाहाटी हुआ, यहाँ पर इन्होंने ज़्यादा ज़्यादा वैकेंसीज दे दी हैं, श्रीनगर में भी इन्होंने ज़्यादा वैकेंसीज दे दी हैं, तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो उन लोगों के लिए फ़ायदा है जो लोग नियरेस्ट हैं इस जगह के। ठीक है, ओके, तिरुवनंतपुरम की बात करें तो ये कि वहाँ पर जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरे गए 93,742। ठीक है, तो यहाँ पर वही लोग भरेंगे जो नियरेस्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत दूर पड़ जाता है, अगर मैं MP से हूँ तो MP से बहुत दूर है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप देखिए कि एक्चुअल में वैकेंसीज़ कितनी हैं, उसके बाद में वैकेंसीज़ के बाद में देखिए कि आपको फॉर्म फिलअप कितना हुआ है। ठीक है, उसके हिसाब से आप भर सकते हैं। अब देखिए टोटल मैं बता दूँ तो टोटल जो है टोटल भरा गया है 35,00,000, ठीक है, 48,827 जो है फॉर्म फिलअप किए जा चुके हैं। तो ये पूरा टोटल ब्यौरा था, पूरा डेटा था फ्रेंड्स, ये डेटा है वो बहुत कम स्टूडेंट्स को मिलता है, और मैं देखूं देखिए स्टूडेंट्स के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन मैं एक और अलग चीज़ के हिसाब से मैं वहाँ पर गया था। ठीक है, तो मुझे ये डेटा मिला। फ्रेंड्स अगर आपको जो वीडियो है अच्छी लगती है, तो फ्रेंड्स जो मेरी मेहनत है वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन फ्रेंड्स रिक्वेस्ट रहेगी जो मेरा आज पूरा दिन मेहनत करी हो, थोड़ा बहुत देखिए मेहनत तो मैंने करी है, कोई दिक्कत वो तो ठीक है, उसका फल तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। अगर फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करते हैं, आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करने का बेल का आइकन दबाएंगे, तो फ्रेंड्स ये जो मेहनत मैंने करी है वो मेरी सफल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट रहेगी आप मेरे मुझे थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा, फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।